नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना काल में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की अमानवीयता, दो डॉक्टरों के खिलाफ की गई प्रशासनिक जांच को वापस लेने बनाया दबाव, काम बंद कर हड़ताल शुरू करी जिससे मरीज हो रहे हैं परेशान। अपनी लापरवाहियों को लेकर सारे प्रदेश में बदनाम हो चुके सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अब अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए प्रशासन के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। बीते दिनों मरीजों को रेफर करने के एक मामले में दो जूनियर डॉक्टर्स को मिले नोटिस को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं और प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत चार सूत्रीय मांगे सामने रखी हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से जहां आम आदमी परेशान हो रहे हैं, वहीं बीएमसी के डीन इनके सामने मिन्नतें करते दिखे। दरअसल डॉक्टर्स द्वारा जिस मामले को लेकर यह दबाव बनाया जा रहा है, वह मामला अगस्त माह का है जिसमें एक पेशेंट की मृत्यु होने के बाद कलेक्टर द्वारा कार्यवाही जांच में दो जूनियर डॉक्टर्स की प्राथमिक लापरवाही सामने आने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर अब डॉक्टर्स कलेक्टर तक निलंबन की मांग कर रहे हैं। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हम उसको क्या ठीक, ये बात तो हो चुकी थी अपने, और अभी भी फिर बात की है। अभी हम कमिश्नर साहब के पास गए, भोपाल से बात की, कि अभी भी जो 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 बच्चे हैं पल्लवी मिश्रा, अभिजीत और ये एक और जो है, ये तीनों अभी भी अगर ये लिख के देखते तो देखो नोटिस मिला, कानूनी कायदा तो ये है, अगर मैं आपको कोई नोटिस दूंगा तो उसको जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ये तो सरकारी जो है। अभी फिर हम पूरा डिस्कस करके आए, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये दोनों तीनों लोग अभी मेरे सामने जवाब दे दें, सिर्फ दो लाइन का, कि हमारे अगेंस्ट जो कार्रवाई की जो नोटिस इशू किया है इसमें तथ्य नहीं है, ये गलत है और हम इसको अस्वीकार करते हैं। मैं अभी बात करके उनको MCI के वहाँ पे ऑफिस में भेज के आज या कल तक ये इनका खात्मा ही हो जाएगा, जल्द से मिल जाएगा। आपका नाम है कल्लू, कहाँ से आए? जी सही। अच्छा, यहाँ मेडिकल में आते इलाज हुआ आपका? अभी नहीं हुआ। क्या बीमारी है? बुखार चल रहा, हमारा नाम है कि शरीर में चिहार पड़ती है और जी हाथ पैर पर। तो डॉक्टर मिले यहाँ पे? डॉक्टर आज हड़ताल पे हैं, सही से मना कर दी पड़ गया है कि डॉक्टर हड़ताल पे चले गया। कितनी दूर से आए हैं आप? हम 50 किलोमीटर दूर। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं घर परिवार के लिए? करते हैं सर, खेती बाड़ी। तो यहाँ आप क्या सोल्यूशन लेके आए? पहले तो कल की जो बात की थी उसमें एक हमारे यहाँ पे दो डॉक्टर है, पल्लवी मिश्रा और गौरव तिवारी, उनको मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से नोटिस मिला था क्योंकि आप जहाँ कोरोना पेशेंट को देख रहे थे तो गलत रेफर किया, उसकी रिपोर्ट गई थी, उसके आधार पे नोटिस मिला था। सस्पेंशन का नोटिस मिला, सस्पेंड करने का नोटिस? नहीं नहीं, आप इसका जवाब दीजिए, जैसे आपको कोई नोटिस उसका जवाब दे दीजिए। तो वो जवाब तो देख के वो लोग ये बोले कि सर हमको ये नोटिस मिला है, तो हमने कहा आप इसका जवाब दे दीजिए। तो फिर हम भोपाल में बात की सभी लोग सब स्तर पे, तो उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब दे दीजिए, कोई गंभीर मामला नहीं है, इसको हम खत्म करें। लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश मिला था उसमें, अगर जवाब अगर नहीं देते हैं और संतोषजनक नहीं है तो एक पक्षीय कार्रवाई करके लाइसेंस। अभी क्या सोल्यूशन लेके आए आप? अभी हमने ऊपर से भोपाल से भी बात की, अपने कमिश्नर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि जवाब दे दीजिए, जवाब दे देंगे तो वहाँ से भोपाल से उसको। जब आरोप निर्धारित हो चुके हैं तो अब उसमें कैसे आरोप रिलीफ दिया जाएगा? कारण बताओ नोटिस जारी, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इन लोगों का आरोप है कि सर MCI भंग हो चुकी है, उसका कैसे हमें नोटिस मिला? MCI तो अभी वर्किंग में है नहीं। नहीं, अभी डॉक्टरों ने वाइट दी है कि MCI से कैसे दिया गया हमें? हमको ज़्यादा मालूम है मेरे को इस बारे में। अब क्या होगा सर इस हड़ताल का? नहीं, ये तो इसको है जो जो हमने जो करना था ये बताया, और दूसरा है कुछ डॉक्टरों का अभी मांगी कि तनख्वाह रुकी हुई है, इसमें 4-5 है, तो अभी हम कमिश्नर साहब से बात करके आए,
और उन्होंने कहा कि हम शाम तक इनकी तनख्वाह रिड्यूस करें। हेल्थ डिपार्टमेंट मंत्रालय क्या तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा डॉक्टरों की? नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ के लोकल मुद्दा है, वहाँ से नहीं है। दोनों को उनको शाम तक तनख्वाह भी मिल जाएगी और ये इसमें भी वो लिखित का जवाब दे देते हैं कि इसके ऊपर, इसके बाद प्रोटेस्ट खत्म होगा, ये तो उनके ऊपर है। मैंने मेरी तरफ से कहा कहाँ से आए? स्टेशन बथरिया से। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर मिले आपको? नहीं मिले। क्या बोल दिया? हम वहाँ अंदर गए, पर्ची बना दो भाई साहब, यहाँ नहीं है डॉक्टर, नहीं है, आपकी पर्ची नहीं बनेगी। क्यों तो नहीं बनेगी? आपने पूछा नहीं? हमने पूछा तो पेशेंट बहुत सीरियस है हमारा, तो लेके आए हैं हम गाड़ी में, तो भी बोल रहे हैं कि पेशेंट आ जाने तो फिर देखते हैं, अभी पर्ची नहीं बनाई, दो घंटा हो गए हैं, पेशेंट हमारा बाहर है। क्या तकलीफ है आपके पेशेंट को? किडनी की तकलीफ है मरीज को। दो घंटे से आप यहीं बैठे? हाँ, दो घंटे से बैठे, तो भी दे रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, मरीज मतलब दवाई नहीं होगी। डॉक्टर क्यों नहीं बताया? नहीं उनने डॉक्टर लोग नहीं, आप क्या नहीं पूछिए हमने, बोली उनने कि हड़ताल पे विजय बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं। बड़ी विषम परिस्थितियों में चिकित्सकों की जिस तरीके से यह दयनीय स्थिति इन नौकरशाहों ने इस देश और प्रदेश में बना रखी है, उसको देखते हुए जारी करना पड़ रहा है और आप लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि आज हमारे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के दो हमारे चिकित्सक डॉक्टर गौरव तिवारी और एक हमारी जूनियर डॉक्टर डॉक्टर पल्लवी मिश्रा के खिलाफ जो एक नोटिस जारी किया गया है, और यह नोटिस एक कलेक्टर वहां के दिनेश सिंह की उस अनुशंसा पर जारी किया गया है जो उन्होंने अपनी अनुशंसा वहां के डीन ने जो ओपिनियन दी कि इन दोनों चिकित्सकों ने उस मरीज का बहुत ही अच्छा इलाज किया, सही जांच की, सही उपचार किया और उसको सही जगह पर रेफर किया, उसके बावजूद उस कलेक्टर ने अपनी एक ओपिनियन दी जिसमें उन्होंने कहा कि डीन की ओपिनियन गलत है, मेरी ओपिनियन सही है और इन दोनों चिकित्सकों की लापरवाही है तथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इन नौकरशाहों की हद तो जब दिखाई देती है, जब यह सबके सामने यह स्पष्ट रूप से जब पता चलता है कि नौकरशाहों ने यहाँ की जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके जो मध्य प्रदेश की जो ब्रांच है भोपाल मेडिकल काउंसिल, उसके ऊपर इन्होंने किस तरीके से अपना कब्जा बना लिया है और उसका दुरुपयोग असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से किस तरीके से कर रहे हैं कि उन दोनों चिकित्सकों के खिलाफ उन्होंने एक नोटिस उस काउंसिल के द्वारा जारी करवाया जिसमें उन्हें उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक की भी धमकी दी गई। मतलब किस तरफ हमारा जो चिकित्सक है, जो एक तरफ कोरोना काल में इतने दिनों से लगातार हमारा मेहनत और लगन से जो कार्य कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री हमारे चिकित्सकों का एक तरफ 28 सितंबर को उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, और ये नौकरशाह इस तरीके से उन्हें हतोत्साहित करने का कार्य हमारे कर रहे हैं चिकित्सकों का। और इस लापर इस नोटिस के लिए जो सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और वहां की मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जो सागर की है, उन्होंने मिलकर निर्णय लिया है कि सागर मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं सभी कल सुबह 7 तारीख को 8 बजे से अपना काम बंद कर देंगे, और अगर 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस नहीं लिया गया और उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं की गई तो सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सभी 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक 8 तारीख सुबह 8 बजे से अपना काम बंद कर देंगे। मैं डॉक्टर सुमित रावत, जो एमटीए सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का है, मैं इसका स्टेट प्रतिनिधि हूं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि कल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके आह्वान पर हम लोगों ने यहां पे एक रिक्वेस्ट की थी कि 24 घंटे के अंदर जो है ये दोनों डॉक्टर्स का जो नोटिस दिया गया है उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, वो वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक डॉक्टर को और मिल गया नोटिस, अभिदीप सिंह करके एक डॉक्टर को और एमसीआई का लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस मिल गया। तो इसी के विरोध में आज हमारा जो काम बंद है ये जारी है, और आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं
क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए अगर ऐसे कूटनीति रच के और ऐसे दुर्भावनापूर्ण अगर इस तरह के नोटिस जारी किए जाएंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आपकी डॉक्टरी की पूरी लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाएगी, ये सरासर गलत है। इसके लिए सारे लोगों में रोष व्याप्त है। नमस्कार। प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हूँ, एनेस्थीसिया विभाग का, और चिकित्सा शिक्षक संघ की सागर इकाई का अध्यक्ष हूँ, और मैं जूनियर डॉक्टर एवं सीनियर डॉक्टर करता हूँ। आप लोग सवाल पूछेंगे कि मैं ये इनका कलेक्टर कमिश्नर, ये इन लोगों का काम है, पुज रहे हैं भगवान बन के, तो कुछ करें काम। सर, जैसा कि बताया आपने कि कलेक्टर से नहीं सामंजस्य है, उसके खिलाफ भी आप लोग हैं, तो प्रशासन की ओर से कमिश्नर भी होते हैं आपके यहाँ, तो उनसे क्या बात हुई? कमिश्नर साहब ने यही कहा कि आप जो दो हमारी बिल्कुल ही बचकानी किस्म की मांगें थी वो उन्होंने स्वीकार कर ली। बोले कि आप की तनख्वाह रिलीज कर देते हैं हम, जितने डॉक्टरों की तनख्वाह रुकी है 4 महीने से, और जो बोले कि आप स्पष्टीकरण का जवाब दे दो तो हम वो रजिस्ट्रार से जांच ख़त्म करवा देंगे। तो हमने कोई गलती करी ही नहीं, हम क्यों स्पष्टीकरण का जवाब दें? मतलब कमिश्नर भी आप लोग का साथ नहीं दे रहे हैं या फिर? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं दे रहा है हमारे साथ। किसी को मरीजों की फिक्र नहीं है, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, बस एक कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था जिन्होंने कहा था कि भाई ये सब ख़त्म करो, बाकी कोई मंत्री, विधायक, सांसद, आयुक्त और सुपर आयुक्त और ACS और PS किसी को फिक्र नहीं है। ये लोग कहते जरूर है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना योद्धा नहीं, हमसे हमारी तारीफ करते वो अलग के लिए, खुद को ये प्रिटेंड करते हैं कि हम जनसेवा के लिए पॉलिटिक्स में आए या जनसेवा के लिए ब्यूरोक्रेट बने, इनको कितनी फिक्र है आप खुद देख लीजिए। ये ब्रीफ में आपको समझाना चाहूँगा, एक पेशेंट आया था, उसको भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ज्ञानोदय कॉलेज जो कि CCC था, कोविड केयर सेंटर, वहाँ भेजना था। हमारे डॉक्टर ने एग्जैक्टली वही किया, लेकिन पता नहीं कलेक्टर साहब क्यों इस मामले में डिफर कर रहे थे, तो उनने 4 लोगों की समिति बनाई जिसमें 3 सदस्य थे, नगर निगम कमिश्नर, 1 SDM और 1 CMHO और 4th थे हमारे डीन, जिसमें उनकी इच्छा थी कि इनको बच्चों को दोनों को जूनियर डॉक्टर को दोषी ठहराया जाए, तो डीन साहब ने दस्तखत करने से मना कर दिया और बाकी 3 लोगों ने वो शिकायत पर कलेक्टर साहब की दिल खुश करने के लिए उस शिकायत पर दस्तखत कर दिए, और वो शिकायत को आधार बना के उन्होंने आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को भेजा और उन्होंने रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल को भेज दिया, रजिस्ट्रार कर रहे हैं हम आपका लाइसेंस। डॉक्टर साहब एक बात कहें, जो कोरोना बीमारी है ये पूरे देश में चल रही है, अपने यहाँ पे भी रोज पेशेंट निकल रहा है, इसके बाद आप लोग इस तरीके से हड़ताल पर बैठे, उन पेशेंट का क्या होगा जो हॉस्पिटल में है? सर एक बात मैं बता दूं, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा है कि हम धंधा ही इंसानियत का करते हैं, हमारे पास जो भी आता है इंसानियत की दुहाई देते ही हुए आता है, तो इसका मतलब हम जिंदगी में पिटते ही रहें, इनके जूते चाटते रहें क्या? नहीं, लेकिन ये तो इंसानियत नहीं कि आप पेशेंट को, आपका इंसानियत हम आपका दूसरा भी तरीका होता करने का, ICU चल रहा है हमारा, जो पेशेंट वेंटिलेटर वगैरह पर उनका ध्यान रखा जा रहा है, इसके अलावा दूसरे तरीके हम अपना के देख चुके हैं, इनके पास बोरा भर के एप्लीकेशन हमारी पहुंची हुई होंगी लेकिन सुनते नहीं हैं, तो बस हम क्या करें। आपकी शिकायत बताइए, किस प्रकार की शिकायत की गई आप लोगों के खिलाफ? कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। किस विषय को लेकर? मतलब वही जो प्रकरण था अयूब खान का, जिसको ज्ञानोदय कॉलेज भर्ती करने हमारे डॉक्टरों ने भेज दिया था, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप था, तो हमारा तो बस सिंपल सा कहना है कि इस द्वेषपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ कलेक्टर साहब का सस्पेंशन हो, उनके 3 अधिकारियों का सस्पेंशन हो जिन्होंने झूठी मिथ्या रिपोर्ट करी, रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल का सस्पेंशन हो, और ये मैं अकेला खुद नहीं कह रहा हूँ, इसमें हमारे साथ सेंट्रल MTA शामिल है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल और सचिव डॉक्टर राकेश मालवीय हैं। कल सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे, जैसे आज सुबह 8 बजे से हम लोग हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मरीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ICU अपने चालू कर रखे हैं कि जो वेंटिलेटर इत्यादि पे हैं उनको, उनके साथ कुछ ना हो, लेकिन हमने प्रशासन को पर्याप्त टाइम दे दिया है वैकल्पिक व्यवस्था करने का, वैकल्पिक व्यवस्था कर लेना। शासकीय डॉक्टर, मैं डॉक्टर सर्वेश जैन
प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन चिकित्सा शिक्षक संघ सागर इकाई का अध्यक्ष हूँ मैं और डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। अब बात ये नहीं रह गई है कि डॉक्टरों की दादागिरी चलेगी और सिस्टम को ये होस्टेज रख लेंगे और इलाज करने से मना कर देंगे, जो कि इंसानियत के हिसाब से गलत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी तो जिंदगी, हर मरीज इंसानियत का थैला लेके साथ में आ रहा है, हम कब तक पिसते रहेंगे भाई? कभी तो हमें आवाज उठानी। अब ये जिम्मेदारी आपके प्रशासनिक अधिकारी की होती है और आपके राजनेताओं की है कि वो हमारी आवाज सुने, हमसे बात करें। हमसे किसी ने अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके अधिकारियों को और आपके पॉलिटिशियन को आपकी कितनी परवाह है। हमारी जो मांगे हैं वो मूलतः सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग जो है कि मृतक अयूब खान के इलाज में कहाँ लापरवाही हुई है, वो एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच ना कराई जाए, ना कि वो छद्म जांच जो कलेक्टर साहब ने करवाई थी अपने तीन आदमी भेज के, SDM, नगर निगम कमिश्नर और CMHO। आप भी समाज में रह रहे हैं, आपको पता है कि इनमें से किसी की हिम्मत कलेक्टर साहब के बाहर जाने की नहीं हो सकती, तो उन्होंने झूठी जांच करी है। क्योंकि हम आपको साथ में अटैच करके दे रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हमारे डॉक्टरों ने सही रेफर किया था उसको ज्ञानोदय में, और हम बिल्कुल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी बात आती है कि हमारे वर्मा सर जो भूतपूर्व डीन और उच्च चिकित्सकों की तनख्वाह रोक दी गई है, वो तनख्वाह अभी के अभी रिलीज हो। आप कितने भी ताकतवर हो जाओ, किसी का बच्चे भूखे मारने का अधिकार आपको नहीं मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो उन्होंने जो तीन कठपुतली अधिकारियों ने जो झूठी जांच करी है, क्योंकि मैं किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी कागज दिखाऊंगा तो वो ये कह देगा कि हाँ डॉक्टर साहब उनका CCC में ही रेफरल होना था। तो जो उनने छद्म जांच करी है, उन तीनों अधिकारियों का हमें सस्पेंशन चाहिए और साथ में चाहिए कलेक्टर साहब का सस्पेंशन जो पूर्वाग्रह से ग्रसित था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये MCI के जो इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, डॉक्टरी करने लायक नहीं छोड़ेंगे, पान का टपरा लगाने पर मजबूर हो जाओगे, ये थ्रेट नहीं चलेगी। ये रजिस्ट्रार सुबोध मिश्रा, अभी वो जो सोकाज वापस नोटिस लिया है बाद में दिया है, वो अब भी वापस लें। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी सुन ले, और जो भी MCI NMC जो भी पावर में है वो भी ध्यान से सुन ले कि तुम भगवान नहीं बन गए हो कि डॉक्टरी करने का डिग्री हमने अर्न करी है यूनिवर्सिटी से, किसी ने हमें ग्रांट नहीं करी है डिग्री, 10 साल आके फोड़ के मैं डॉक्टर बना हूँ, तो किसी की मेहरबानियों पर नहीं बना हूँ मैं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार और NMC भी सुन लो कि ये फालतू के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए छोटी छोटी बातों में धमकी देती हो यार। किसी सर्जन को कोई पेशेंट अपेंडिक्स लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है, पेशेंट का प्रेजेंटेशन, पेशेंट हिस्ट्री गलत दे सकता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग नहीं मिल सकती है, क्या आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर दोगे? ये दादागिरी नहीं चलेगी और बेवकूफ़ी हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। धन्यवाद। कल सुबह से मध्य प्रदेश के समस्त चिकित्सा शिक्षा संघ के 8 बजे से डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। इंसानियत का कोई वास्ता ना दे हमें, क्योंकि इंसानियत हम 25 साल से झेल रहे हैं और अगले 25 साल भी हमें इंसानियत ही झेल ली है। धन्यवाद। सुनील अग्रवाल और डॉक्टर राकेश मालवीय के दिशा निर्देश अनुरूप हम काम करेंगे। अभी आप हड़ताल पर रहेंगे? अभी हड़ताल पर।